कोई ऐसे बयान नहीं है। मरवत हमारा जज्बाती माशाल्लाह कारकुन है और एक अच्छी कायदाना सलाहियतों का मालिक है, वो जज्बात में बातें करते हैं, कोई तजाद नहीं है, कोई तजाद नहीं है। जमात के इंतखाब में किसको ज्वाइन करना है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं है, मैं तो हक पे सच पे हमेशा साथ होता हूँ और अब भी हक सच के साथ हूँ। ये हुसैनियत और यजीदियत की जंग जो है ये अजल से लड़ी जा रही है, बिलाखिर जो है हमेशा सच को ही जो है तकवीयत मिलती है, सच ही कामयाब होता है। मुझे कोई ऐसा आपने एहतजाज का तैयारी कर रहे हैं ईद के बाद, लेकिन हुकूमत जो है वो ईद से पहले गिरफ्तारी करने का कोई इम्कान है? हुकूमत गिरफ्तार करती है तो कर ले, उसको शौक पूरा कर ले। अब ऐसे भी तो सारी कौम को गिरफ्तार ही किया हुआ है ना, 25 करोड़ अवाम को ये कैद खाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना इस वक्त पाकिस्तान है, ये आज़ादी नहीं है इसमें। फिर शरीफों के केस तो इस तरह से फैसले होते हैं, इस तरह से सुने जाते हैं, तो अगर इस तरह से आप बैठेंगे तो फिर जाहिर है ये लामतनाही सिलसिला है, वो ख़त्म होने को ही नहीं है। रमज़ान में डीपी बेंच की रूटीन हमेशा से यही रही है, रात के 12 बजे तक भी बैठे हैं जजेस, क्या बातें कर रहे हैं, रमज़ान में ये रूटीन रही है। फिर साहब क्या लग रहा है कि कब तक मुलतवी रहेगा, कब तक इस तरह के हालात चलते रहेंगे? देखें अजियत और कर्ब में से कौम को क्यों डाला हुआ है ये केस, ये केस बनता ही नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ज़मानत के केस में फैसले में साफ लिखा है कि इसमें किसी दुश्मन को मुल्क को कोई फ़ायदा पहुँचाना मकसूद ना था, ना उनकी जो है इल्ज़ाम है, ना ही इससे कुछ पहुँचा है। इसमें कौन से दुश्मन मुल्क को भाई आपने मफाद देने की कोशिश की है, पहले ये तो बता दें। और ये साइफर शर्मनाक था जिसमें पाकिस्तान की तजहीक की गई है और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत और नामूस को दफन किया गया है, ये तो एक दिन भी खान को अंदर नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये शरीफ ने लंदन जाने का ऐलान किया है और दूसरी जानब इमरान खान 25 मई के 2 मुकदमात में भरी हो गए हैं, तो क्या कहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छूट मिल रही है या कहीं पे डील हो रही है? देखें छूट तो क्या मिलनी है, इंसाफ हमें चाहिए, हमें कोई छूट वूट नहीं चाहिए। और बाकी रहा नवाज़ शरीफ तो जाहिर है लूट मार करके हमेशा चला जाता है, इस मरतबा भी उसने ताजपोशी के लिए आया था, मायूसी हुई है, उसके भाई ने उसके साथ वो पलटी की है, उसको समझ ही नहीं आई है, अब वापस ही जाना है उसने, और क्या करना है।